मेरे प्यारे साथियों और उस्ताज़ अकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाही का मौका मिला है, इसका उनवान है उस्ताद। लफ्ज़ उस्ताद सुनते ही इंसान के दिलो दिमाग पर एक अजीब तासुर उभरता है। ये एक तमानियत बनकर रगों पर सर उबत कर जाता है। इस तो अजराम का ठांठे मारता तलातुम खैस समुंदर अपने किनारों से निकल निकल जाता और इंसान की गर्दन बार आसान से खम हो जाती। यूँ कहने में भी याद नहीं के इंसान का वजूद जिस हस्ती के कदमों तले बूझ जाए और जान जिस पर बिछावर करने को जी चाहे, वह उस्ताद है। सदर ग्रामी जैर बैस मौजू उस्ताद की अजमत है। इस पर जैर बैस हासिल करना मुझ जैसे कम फहम अकल नसारा के मुल्क के दायरे में कहा। बिकने वाले और हैं जाकर खरीद लो, बिकने वाले और हैं जाकर खरीद लो, हम जैसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। सदरे ग्रामी उस्ताद वो जो कौम का मोहसिन है, उस्ताद वो जो कौम का ममार है, उस्ताद वो जो कौम का मशहूर ब्रदर है। उस्ताद ना हो तो ये तमाम शेबा जिंदगी चौपट होकर रह जाए। उस्ताद ही उस्ताद बनाता है, उस्ताद ही डॉक्टर बनाता है, उस्ताद ही वजीर बनाता है, उस्ताद ही वजीर आजम बनाता है। सदरे ग्रामी अगर मैं ये कह दूँ तो बेजाना होगा कि उस्ताद के हाथों ही अकवाम की तकदीर हुआ करती है। इसीलिए कहा जाता है शेख मकतब है एक इमारत गढ़, शेख मकतब है एक इमारत गढ़, जिसकी सन्नत है रूए इंसानी। थैंक्स।